गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। स्वागत है गाइस आज के ब्लॉग में। तो गाइस, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और मैं नहा गई। वैसे तो ठंडा हो रहा है बट ये कि थोड़ा नहा के सुस्ती हट जाती है और आज का मौसम भी ठंडा हो रखा है। धूप तो नहीं है अभी, पर क्या पता दिन तक धूप आ जाए। बट अगर मौसम ऐसे रहे तो तब तो अच्छा है। जैसे विजिट पर भी इतनी धूप वूप नहीं लगती, ये वाला मौसम बेस्ट है वैसे तो। गाइस, अब करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी और देखते हैं दिन के लिए क्या बनता है। क्या पता विजिट में कहाँ जाते हैं आज। और पानी वगैरह भी आज जल्दी आ गया था। आज कितने बजे? 5:30 बजे तो पानी वगैरह मैंने भर दिया। गाइस, नाश्ते बना रखे हैं मैंने चटनी, रोटी और चाय। तो गाइस, करते हैं नाश्ता और फिर जाते हैं ड्यूटी पर फटाफट। तो गाइस, चल रहे हैं हम ड्यूटी। तो गाइस, मेरे हस्बैंड लेके आ चुके हैं बाइक। अब दिक्कत नहीं होगी, अब है ना, अब गाड़ी का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। अब थोड़ा साइनमेंट करते हैं, फिर थोड़ा रुकते हैं, जब कुछ काम है उसके बाद चलते हैं जीप पे। गाइस, आंटी का रिएक्शन इस कुर्ती को देख के, पहन के चलेगा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा आपको? नहीं आया होगा, इसी के लिए बोला था इसको बेवकूफ को। कितने? तो गाइस, आ गई मैं विजिट से और अब चलते हैं घर पे, फिर बनाते हैं खाना वगैरह। मेरे हस्बैंड तो लेट आएंगे भी, मैं जल्दी आ गई ना आज इस वजह से। सुबह तो मौसम ठंडा हो रखा था बट अब धूप हो गई है। तो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 5:30 और धूप हो रही है बहुत तेज। तो हम दिन में आ गई थी मैं ड्यूटी से, उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। तो आज दिन में बनाया था मैंने प्याज का साग और भात। प्याज का साग काफ़ी टेस्टी हो रहा था खाने में। मैंने प्याज का साग बनाया, उसमें 2-3 आलू छीन के डाले ना, तो अच्छा हो रहा था काफ़ी। और जो कुर्ती मैंने मंगाई थी आंटी के लिए, तो आंटी को चाहिए थी वाइट में, वो आ गई थी ग्रे कलर में। तो आंटी के वैसे भी ऐसे आंटी को पसंद आ गई थी बट आंटी को टाइट हो गई थी, मीडियम साइज मंगाया था ना, तो अब उसे मैं यूज़ करूँगी। तो देखते हैं कैसी लगती है पहन के। गाइस, टाइम हो चुका है 6:30 और देखते हैं खाना क्या बनता है। तो अभी टाइम काफ़ी है, पर ये कि देखते हैं सब्जी में क्या बनती है आज। मेरे पास है यहाँ पे शिमला मिर्च और भिंडी। सोचती आज बनाऊँ थोड़ा सा भिंडी, आज बनाऊँगी मैं मसाले वाली भिंडी। तो गाइस, सबसे पहले भिंडियों को थोड़ा धो लेंगे, उसके बाद करते हैं आगे की रेसिपी। तो गाइस, मसाले भिंडी बनाने के लिए पहले जो भिंडी का ये आगे का शेप है इसको काट देना है, और इसको तो इसके आगे से भी और इधर से भी, और इसको तो गाइस इस तरीके से काटना है इसको, उसके बीच में हाफ कर देना है। तो सारी भिंडियों को हम ऐसे काट। गाइस, भिंडी मेरी कट चुकी है, ये देखो। तो गाइस, हम यूज़ करेंगे सब्जी में प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और लहसुन। बाकी जो घर का मसाला होता है हम वही यूज़ करेंगे। लाल मिर्ची हो गई, हल्दी पाउडर हो गया और धनिया पाउडर हो गया। बाकी आपके पास जो मसाला होगा आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, प्याज टमाटर हमारा कट चुका है और टमाटर मेरे पास कमी थे तो मैंने इनको हल्का सा कद्दूकस कर दिया, ताकि मैंने प्लेट में नहीं किया ताकि प्लेट ख़राब ना हो। और चलो बनाते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, पहले डालेंगे हम इसमें तेल, और तेल डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पहले हम भिंडी को तलेंगे हल्का सा। तो गाइस, इसको हल्का सा स्टीम होने देंगे 5 मिनट, फिर इसको निकाल देंगे। तो गाइस, सब्जी हो चुकी है हल्की स्टीम। तो गाइस, डालते हैं इसमें जीरा और धनिया, डालते हैं लहसुन, गाइस मैंने ये मसाला पहले ही रख दिया था। इसमें है लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी और
नमक। Thank you.